एंटेराइटिस मतलब होता है एंटर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज मतलब इन्फ्लामेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एंटेराइटिस। अब ये इन्फ्लामेशन जो है ये वहीं तक लिमिटेड नहीं होता, ये इन्फ्लामेशन कई बार ऊपर तक पहुंच जाता है तो उसको साथ में गैस्ट्राइटिस भी हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा साथ में तो साथ में कोलाइटिस भी चलाएगा, और यहां से जस्ट बाजू में जो सीकम है, सीकम में अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस भी करा सकता है। तो अगर पेशेंट अगर आपके पास आए हैं एंटेराइटिस लेके, जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट डे एंटेराइटिस है तो सेकंड डे भी एंटेराइटिस तक लिमिटेड हो, सेकंड डे हो सकता है वो अपेंडिसाइटिस भी करवा दे, तो उसके बाद हो सकता है कोलाइटिस भी करा दे, गैस्ट्राइटिस भी करा दे, या फिर पेन कोलाइटिस हो जाती कई बार पूरे में इन्फेक्शन करा दे। तो एंटेराइटिस ये है कि इसका ये कि एंटेराइटिस अगर पहले दिन प्रेजेंट हुआ है तो उसको अपन को कंटिन्यूसली वॉच करना है कि आगे वो हर दिन और कोई दूसरे सिम्टम्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। कॉजेस क्या होते हैं एंटेराइटिस के? मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव में क्या होगा वायरल प्लस बैक्टीरियल, थोड़े माइल्ड केसेस में पैरासाइटिक और फंगल हो सकते हैं, ज्यादातर केसेस में वायरल और बैक्टीरियल ही होते हैं, और वायरल भी वायरल और कॉमन है। और क्या होते हैं कॉजेस? ड्रग्स, ड्रग्स में मोस्ट कॉमन एनएसएआईडी, एनएसएआईडी के अलावा स्टेरॉइड और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि करा देती हैं, और एल्कोहल, एल्कोहलिक कोलाइटिस बहुत कॉमन डायग्नोसिस बना देते हैं, एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन डायग्नोसिस रहती है, और इम्यूनोलॉजिकल उसमें क्या होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, और बस लगभग लगभग इतने होते हैं कॉलेज को। इन्फेक्टर भी दिखाए आपने, फिर से टाइप होते हैं एक्यूट एंटेराइटिस, और एक होता है क्रोनिक एंटेराइटिस। जो एक्यूट एंटेराइटिस होता है वो यूजली लेस देन 14 डेज पीरियड का होता है, क्रोनिक एंटेराइटिस मोर देन 14 डेज पीरियड तक रहता है। एक्यूट एंटेराइटिस के कॉज यूजली जो होते हैं ड्रग्स, वायरल और बैक्टीरियाज होते हैं। क्रोनिक एंटेराइटिस के कॉजेज जो होते हैं उसमें ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, ऑटो इम्यून परसिस्टेंट कोई चीज इरिटेट कर रही हो, परसिस्टेंट क्रोनिक एल्कोहल लेना हो वो होता है, और ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये क्रोनिकली क्रोनिक बैक्टीरिया क्रोनिक इन्फेक्शन में चले जाते हैं, तो ये क्रोनिक एंटेराइटिस के कॉजेज हो सकते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर पे, क्लिनिकल फीचर एंटेराइटिस के सबको पता है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? सबसे पहले नौजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिन पेन, क्रैम्पिंग टाइप एब्डोमिन पेन होगा, लूज स्टूल, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन, बस कॉमन सिम्टम्स तो यही है। इसके अलावा एसिडिटी, ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन वॉमिटिंग, एसिडिटी हो तो क्या नोजिया वॉमिटिंग में, एब्डोमिन पेन है तो टेंडरनेस रहेगी, डिफ्यूज टेंडरनेस रहती है जनरली, इसमें टेंड पेन जो है लोकलाइज नहीं होगा, डिफ्यूज टाइप का होगा, कहीं पर भी दबाव तो हल्का टेंडरनेस होगा, गार्डिंग नहीं मिलेगी इसमें, है ना। लूज स्टूल जो है डिपेंड करते हैं कि पेशेंट किस टाइप का है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो उसमें बॉटरी टाइप के लूज मोशन मिलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें स्टूल का जो कंटेंट है वो कम होता है, वॉटरी नहीं होता है, लेकिन क्रैम्पिंग टाइप का एब्डोमिन पेन होता है, साथ में ब्लड में स्टूल साथ में डिसेंट्री टाइप की होती है। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन यूजली इसमें तब हो जाता है जब ज्यादा लूज मोशन होने के कारण पोटेशियम कम हो जाता है, तो हाइपोकैलेमिया के कारण इसमें डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन होने लगता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर तो सबको पता ही है अपन को, कोर्स क्या रहता है इसका? कोर्स जो है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वायरल डायरिया,
वायरल एंटराइटिस। वायरल एंटराइटिस का कोर्स सेल्फ लिमिटिंग है, सेल्फ लिमिटिंग 2 से 3 दिन में ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। अब इसका भी रेड फ्लैग साइन देखना है, कब आप उसको बैक्टीरियल सस्पेक्ट करोगे। क्लिनिकली तो अपन सबको देख ही रहे हैं, क्लिनिकली देख रहे हैं अपन सबको, कोई इन्वेस्टिगेशन तो करा नहीं रहे हैं। किस कंडीशन होगी जब आप उसको बैक्टीरियल सस्पेक्ट कर सकते हो? पहला, लूज स्टूल मोर देन 3 डेज से हो रहा है। दूसरा, फीवर मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है। तीसरा, ब्लड इन स्टूल। ये 3 चीजें हैं तो आप उसको बैक्टीरियल डायरिया सस्पेक्ट करोगे। बाकी केसेस में सिर्फ अपन वायरल डायरिया सस्पेक्ट करेंगे सेल्फ लिमिटिंग। बैक्टीरियल डायरिया में ये है कि बैक्टीरियल डायरिया जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो तब आपको उसको परसिस्टेंट मॉनिटरिंग पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरियल डायरिया आगे प्रोग्रेस कर सकता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या रहती है? ये जैसे इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स हैं, ठीक है, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स हो गई हैं, ये अपनी एंडोथीलियम हो गई उसकी। अब यहां पे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया यूजली कैसे आएगा? खाने से ही आता है, जो भी फूड फीकोरल रूट से ही आता है। फीकोरल रूट से बैक्टीरिया आया, इसमें इन्वेट कर दिया। यहाँ इन्वेट करने के बाद उसमें इन्फ्लामेशन होने लगा, सेल्स बढ़ने लगे। ये इन्फ्लामेशन होके बहुत सारी चीजें कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, ये इन्फ्लामेशन और बढ़ के यहाँ पे पुरुलेंट पस फॉर्मेशन हो जाए। पहला पस फॉर्मेशन कर सकता है, पस फॉर्मेशन यहाँ पे स्टूल में से पस निकलने लगेगा, ठीक, जो अपन बोलते हैं ना आव जा रही है उसमें यही रहता है, पस निकलने लगता है ना, पस फॉर्मेशन कर सकता है। ये फिर इसको इन्वेट कर दे, इन्वेट करके यहाँ पे अल्सर्स करा दे, अल्सर फॉर्मेशन। ये जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया होता है जो कि वॉल के अंदर घुस जाता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है, जो अल्सर करा देता है। अल्सर से क्या होगा, ये अल्सर आगे जाके पूरी अगर पूरी लाइनिंग को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे परफोरेशन करके वो परफोरेशन पेरिटोनाइटिस करा देगा। तो ये अल्सर जो कॉमनली होते हैं ट्यूबरक्लोसिस और टाइफॉइड बैक्टीरिया कराते हैं। अब ये है कि ये अल्सर है, अल्सर करा रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं से ब्लड मतलब इन्वेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसके एंडोथेलियम में जो ब्लड वेसल्स सब उनको डैमेज करेगा, तो स्टूल में ब्लड की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। तो अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आपको उसको परसिस्टेंट मॉनिटरिंग करना है कि उसको टाइफाइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस टाइप का कोई इन्फेक्शन या फिर कोई सीवियर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो कि उसको इन्वेट कर रहा है ना, एंडोथेलियम के अंदर घुस रहा है, तो आगे परफोरेशन के चांसेस हैं। तो इन पेशेंटों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और क्या कर सकता है, और यहाँ के इन्फ्लामेशन का आजू बाजू के लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे और आगे जाते हैं यहाँ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के कारण फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं, मतलब यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकते हैं इंटेस्टाइन में और उसमें आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं जो क्रोनिक डायरिया कराएंगे। कई हैं ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज में भी यही रहता है कि परसिस्टेंट यहाँ वॉल थिक कर देंगे, वॉल थिक होने के कारण यहाँ पे फिर ऑब्स्ट्रक्शन करा देंगे। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन 3 कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस भी रहते हैं। इन 3 कंडीशन में ब्लड इन स्टूल मिल सकता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी अल्सर फॉर्मेशन करा रही है मतलब कि ब्लड इन स्टूल मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन। यूजली इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, वायरल एंटराइटिस है, 2 से 3 डेज में सेल्फ लिमिटिंग होती है, तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ आपको रेड फ्लैग साइन अगर देख रहे हैं, अगर फीवर आ रहा है मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब्लड इन स्टूल आ रहा है या फिर डायरिया परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3 डेज या फिर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन मिल रहे हैं, ये 4 साइन ऑफ डिहाइड्रेशन सबको पता है, संकन आई, ड्राई स्किन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाई कलर यूरिन, ये सब डिहाइड्रेशन के साइन है। ये 4 साइन मिल रहे हैं तभी आपको उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है, मतलब डायरिया इतना ज्यादा हो गया है कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, या फिर डायरिया मोर देन 3 डेज तक कंटिन्यूसली बना हुआ है, या फिर ब्लड इन स्टूल आ रहा है, या फिर फीवर मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। इन 4 कंडीशन में उसको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, CBCCRP1 उसको इन्फेक्टिविटी देखने के लिए देखेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं ये देखने के लिए करेंगे, यूजर टेस्टिंग देखना रहेगा,
यूरिक एसिड रीनल रीनल इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं उस पर वो देखने के लिए करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, पोटेशियम लेवल बहुत जरूरी है क्योंकि डायरिया में सीधे पोटेशियम लॉस होता है। पोटेशियम लेवल से अपन को पता चल जाएगा कि आगे पोटेशियम ऐड तो नहीं कराना है, नहीं तो वो अगर पोटेशियम हाइपोकैलेमिया में चला जाएगा तो वो हो जाता है पूरा, क्या कहते हैं उसको, नहीं हाइपोकैलेमिया में कहां एक तो क्रैम्प्स आएंगे और ऊपर से जो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी है ना वो कर देगी ना, उसको क्या इलियस बोलते हैं ना, पैरालिटिक इलियस करा देगा हाइपोकैलेमिया। तो ये तीन चीजें करानी जरूरी हैं। इसके अलावा तो सिम्टोमेटिक बेसिस पे है स्टूल का टेस्ट करा सकते हैं, स्टूल आरएम एंड स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड करा सकते हैं या फिर स्टूल कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं। हालांकि कल्चर सेंसिटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं क्योंकि स्टूल में नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते ही है ना, अब वो बैक्टीरिया कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया है हार्मफुल बैक्टीरिया है कि नहीं वो कह नहीं सकते, लेकिन स्टूल में नॉर्मल बैक्टीरिया ओवासिस्ट मिलना बहुत अनकॉमन नहीं है। हर किसी पेशेंट का आप स्टूल आरएम कराओगे तो उसमें बैक्टीरिया या ओवासिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वही बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन करा रहे हैं। अगर स्टूल में पस सेल्स मिल रहा है रूटीन आए तो वो सिग्निफिकेंट है, या फिर ऑकल्ट ब्लड मिल रहा है तो सिग्निफिकेंट है। इन्हीं कंडीशन में इसके इन्वेस्टिगेशन कराए जाएंगे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं एक्यूट डायरिया में, अगर उसको क्रोनिक डायरिया आप सस्पेक्ट कर रहे हो, क्रोनिक एंटेराइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो, क्रोनिक एंटेराइटिस के कॉज हमने बताया क्या क्या होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ये दोनों, इन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज। ये बॉबल में क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं और ये ऑटोइम्यून ओरिजिन के होते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, अदर ग्रेनुलोमेटस को इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तो ये सब चीजें क्रोनिक एंटेराइटिस करा सकती हैं। इनके डायग्नोसिस के लिए कंफर्म क्या करोगे, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो क्या कराओगे, पहले तो यूएसजी कराएंगे, यूएसजी, इसके अलावा बेरियम मील फॉलो थ्रू करा सकते हैं या फिर बेरियम इनिमा, उससे अपन को तो वॉल की जो लाइनिंग है ना, वॉल की लाइनिंग इन्वेड तो नहीं हो रही वो दिख जाएगा बेरियम इनिमा में, या फिर क्रोनिक कोई कॉन्स्ट्रिक्शन बना हुआ है वो दिख जाएगा। जनरली जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ना वो इलियोसीकल जंक्शन पे, यहाँ पे इलियम और सीकम दोनों मिलते हैं ना, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती है, तो इलियोसीकल जंक्शन पे कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है तो ये क्लासिकल होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो इन दोनों चीजों में दिख जाएगा, बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम इनिमा और यूएसजी एब्डोमेन तीनों को मिला के। इसके अलावा मोर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है सीसीटी एब्डोमेन, उससे तो हमको परफोरेशन ही समझ में आएगा, परफोरेशन कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो गया वो देखना पड़ेगा। सीसीटी एब्डोमेन है ये बता देगा क्लियरली कि उसको कोई ट्यूबरक्लोसिस क्या लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है, अदर कोई परफोरेशन का साइन तो नहीं हुए हैं, और सीसीटी एब्डोमेन नॉर्मल सब कुछ बता देगी इसमें। आगे इसके बाद और क्या करा सकते हैं, अगर आप ऊपर की ड्यूडनम और गैस्ट्रिक की पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहे हो तो अपर जीआई एंडोस्कोपी कराओगे, या फिर नीचे कोलन की सस्पेक्ट कर रहे हो तो कोलोनोस्कोपी कराओगे। ये सब चीजें लेकिन जो कब कराई जाती है, क्रोनिक परसिस्टेंट एंटेराइटिस में, या फिर जो एक्यूट एंटेराइटिस नॉट रिलीव बाय एनीथिंग। एंडोस्कोपिक प्रोब यूजली तो ये ड्यूडनम के नीचे तक चले जाता है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम तक तो जा ही जाता है, ड्यूडनम तो क्रॉस कर जाता है, हाँ तो बस ड्यूडनम तक जाता है, इलियम बहुत बड़ी होती है, इलियम नहीं जाता, नहीं इलियोसीकल जंक्शन देखना है तो फिर आपको ये उल्टा जाना पड़ेगा, इलियम बहुत बड़ी होती है, इलियम में नहीं जाता। वो भी जो बहुत अच्छे एंडोस्कोपिस्ट हैं वो ही जाते हैं गैस्ट्रिक के नीचे, ये तो लोग गैस्ट्रिक तक ही जाते हैं, गैस्ट्रिक के नीचे नहीं जाते। ट्रीटमेंट जो एक्यूट एंटेराइटिस है वो आप अगर वायरल सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्वेशन करो, फ्लूइड थेरेपी दो, उसका फ्लूइड थेरेपी बस देनी है, साथ में उसको इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस नहीं होने देना है, इसी से ठीक हो जाएगा। प्री प्रोबायोटिक साथ में ऐड करनी हो तो ऐड कर सकते, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें देना, सेल्फ लिमिटिंग होती है 2-3 डेज में।
अगर आप बैक्टीरिया सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप बैक्टीरिया यूजली कौन से होते हैं इसमें, ई कोलाई और सिजेला, कैंपाइलोबैक्टर, अमीबा बैक्टीरिया, पैरासिटिक तो है ई कोलाई, सिजेला, ग्राम नेगेटिव, कई चीज में स्ट्रेस भी हो सकता है, स्टेफ ऑरियस भी करा देता है। तो ओवरऑल अपन मानते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कराते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन सी देते हैं, अमीकासिन, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपन को ल्यूफ्लोक्सासिन आ जाएगी। बाकी एनारोबिक बैक्टीरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिलिम नाइट्रोजन, इसके अलावा इनसे भी नहीं ठीक होता तो फिर अपन को और अगर आप उसको अल्कोहलिक, बाकी तो जो अल्कोहलिक ड्रग इंड्यूस्ड ये सब सेल्फ लिमिटिंग होती है अल्कोहल ड्रग्स, ये सब जो कॉज है वो कॉज को ठीक कर दो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ऑटोइम्यून की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की। क्रोन्स डिजीज जो होती ना उसकी डायग्नोसिस एंडोस्कोपिक बायोप्सी से रहते हैं, एंडोस्कोपी है ड्यूडनल म्यूकोजा की बायोप्सी लेते हैं, ड्यूडनल म्यूकोजा की बायोप्सी में पार्शियल विलस एट्रोफी, ये क्लासिकल होता है क्रोन्स डिजीज के लिए। इसकी एंडोस्कोपिक देखोगे, एंडोस्कोपी में देखोगे कि म्यूकोजा बहुत अच्छी नहीं है, इन्वेडेड है और पूरी थ्रू द लाइनिंग में इन्वेडेड हो, और तो उसकी बायोप्सी ले लो, पार्शियल विलस एट्रोफी आती है बायोप्सी में, तो एक क्लासिकल होती है क्रोन्स डिजीज के लिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस क्या होगी, कोलोनोस्कोपी करोगे, कोलोनोस्कोपी में देखेंगे मल्टीपल बॉवल्स में अल्सरेशन मिलेंगे और पूरी बॉवल म्यूकोजा इन्फ्लेम मिलेगी, परसिस्टेंट उसको रिकरेंट ब्लड इन स्टूल की हिस्ट्री रहेगी और परसिस्टेंट एब्डोमिन पेन मिलता रहेगा, ये इसी से डायग्नोसिस बन जाएगी, इसके लिए बायोप्सी की भी जरूरत नहीं है, इतना आपको मिल रहा है मतलब डायग्नोस्टिक कंफर्म है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। इनका सपोर्टिव एविडेंस रहेगा एएनए पॉजिटिव है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, ये ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, उसका एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीजेस में है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, इन सब डिजीजों में ये पॉजिटिव आती है एएनए। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टेरॉइड प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ज्यादातर एंटी इंफ्लेमेटरी वही अपन सल्फासलाजिन यूज करते हैं इसमें। एंड तो एंड्राइटिस में अपन को यूजली जो है 95% तक जो एंड्राइटिस होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। एंड्राइटिस जब भी किसी कोई भी पेशेंट आपको एंड्राइटिस का होता है उसमें आपको तीन चार चीजें ध्यान में रखने वाली है। पहला कि अगर पेशेंट को पहले दिन एंड्राइटिस है तो जरूरी नहीं कि वो एंड्राइटिस वहीं तक लिमिटेड हो, दूसरे दिन वो अपेंडिसाइटिस भी कर सकती है, कोलाइटिस भी कर सकती है, तो उसको अपन को वॉच करना है। दूसरा ब्लड इन स्टूल है कि नहीं इसको वॉच करना है। तीसरा फीवर वॉच करना है, फीवर मोर देन 101 तो नहीं आ रहा है। चौथा उसको सिम्टम्स जो है मोर देन 3 डेज तक परसिस्ट तो नहीं कर रहे हैं। पांचवा साइन ऑफ डिहाइड्रेशन तो नहीं आ रहा है। अगर ये 5 साइन नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग वायरल या फिर माइल्ड बैक्टीरियल केसेस में होगा, उसमें आप नॉर्मल ओरल ड्रग्स दे सकते हैं। अगर इन 5 में से कोई भी साइन है तो पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा कि आगे वो कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है। ज्यादातर ब्लड इन स्टूल आ रहा है तो उसको जल्दी जल्दी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट चालू कर दो जिससे कि वो और आगे इन्वेड ना करे, परफोरेशन के चांसेस ना हो। ठीक है, और कुछ पूछना? क्वेश्चन कुछ एंट्राइटिस के बारे में? एंट्राइटिस की डायग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होती है। यूएसजी एब्डोमिन में क्या देखते हैं वो लोग, जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन के कारण जो बॉबल लूप्स है, बॉबल लूप थोड़े से ठीक देखने लगते हैं,
थिकन और फ्लूड फिल्ड बॉवेल लूप देखते हैं, लेकिन फ्लूड फिल्ड बॉवेल लूप कोई ऐसी डायग्नोसिस नहीं होती है एंट्राइटिस की, डायग्नोसिस क्लिनिकली होती है। यूएसजी से कराते कराते इसलिए क्योंकि सपोर्टिव एविडेंस हो कि और कुछ तो नहीं है उसको। बताओ ये कोई क्वेश्चन?